स्क्रीन के लिए अस्सलाम वालेकुम जी सर वालेकुम اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وغير المغضوب عليهم، ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. <applause> ربي شرح لي صدري، ويسر لي أمري، وأحلل أخت من لساني يفقه خالد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير الخلق محمد وعلى آله وصحابه وزواجه وبارك وسلم يا مخلب القلوب So, Bit Hulubana, Dinica Okitabica. Rabbana Zidna Ilma, a salam aleikum, Rahmatulla, Yobarakato. So, we had the fifty four, but the half of that fifty four. Uh, this is fifty three. आ, कौन से बड़ी इसको करते हैं मुझे याद नहीं है लेकिन सिर्फ इतने में और मुमताज थे मेरा ख्याल में सर इस वाली आयत में तो जो भी थे एक बार इसको मुझे बता दीजिए क्या किया तो मुझे याद नहीं रहा है कि क्या किया यहाँ तक

जी सर माधुर्य होता है जी सर चलिए बहुत अच्छे वेरी गुड मुझे वो याद नहीं था करें या नहीं करें सौ so, फिफ्टी और इसमें आदि हम कर लिए थे आ ये कौन सा ग्रुप कर रहा था वही करें अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहूल लजी खलका में नल माई बशरा यहाँ तक लेंगे वह है और ये लजी की जो आयत है पिछली हुआ लजी की आयत पर मातूफ़ हो रही है, है। मुबतदा है और उसकी खबर है खलका मिनल माई बशरा खबर को खोलेंगे तो खलका में फेल और फाइल है आ, इसका रूट वर्ड है खलका आ, वो पैदा किया और रेफर कर रहा है हुआ है जो रेफर कर रहा है अल्लाजी मतलब अल्लाह ताला की तरफ आए, और अशरन जो है ये मफूल भी ही है खलका का तो आ, इसकी तफसीर आप बताए थे कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है इंसान को पानी से तो जो रेफर कर रहा है नुतफे की तरफ ये, ये वो नहीं है जो अल्लाह सुबहान व तआला बारिश बरसाते हैं पिछली आयतों में है इस इसलिए कुरान में बहुत जगह ऐसा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इंसान की पैदाइश एक बूंद एक बूंद से वेरी गुड दैट्स गुड दूसरा पार्ट कोई आपका बड़ी कौन था ये थी सर राशिदा चलिए फजाअलाहु नसबन व सिहरन ये एक फेलिया जुमला है सबरिया फा इसे सबबिया और ये जाआला इसका रूट वर्ड है इसमें फेल और फाइल और मफूल भी ही है फाइल जो है रेफर टू अल्लाह ताला और हु की जमीर बशर पर जा रही है नसब जो के मफूल नंबर एक सेकंड आयशा आपको कुछ बोलना है इनके उस जो इस बारे में या कुछ नहीं बोलना अच्छा है ना बड़ी आपके जी सर नहीं सर वो अपना फिर दोस्त है।, है फिर दोस्त है फिर दोस्त जी सर इसके बारे में इसके बारे में मैं समझी नहीं मतलब ग्रामर में किसी भी चीज में इन्होंने जो कहा उसमें आपको कोई रिमार्क है कुछ करेक्शन करना है नहीं सुन रहे नहीं थे आप समझ में नहीं आ रही मेरी बात चलिए फिर एक बार बोलिए राशिदा जी पजाला हूँ न यहाँ तक लेंगे पजाला ये एक फेलिया जुमला है और इसमें फा ए सबबिया जाला इसका रूप यहाँ पर यहाँ पर किसी को कुछ बोलना है फा इस हरफे आत कहेंगे इसको आत तो है बाबा लेकिन ये नौज सबबिया कह रहे हैं दूर रख के नहीं सर क्योंकि ये ऐसा कंक्लूजन की तरह नहीं है ये कंजंक्शन की तरह आया है कि अल्लाह ताला ने पैदा किया पानी से और फिर बनाया उस उसके लिए नसब और सर जो रिश्ते हैं वो तो ये कंजंक्शन कनेक्शन के लिए आया है अच्छा शहजिया तुमको कुछ बोलना है क्या जिया है क्लास में या सो रहे हैं सर वो मैंने वो हाथ रहा मैं समझी वो ऑन हो गया मेरा माइक सॉरी सर आके बारे में कुछ बोलना है जल्दी बोलो नहीं बोलना है तो नहीं बोलो सर पा फिर के उसमें ही आ रहा है और फिर यानी कि जैसे सुम्मा आता है इस तरह ये भी हर है लेकिन के पहले तो पानी से इंसान को बनाया और फिर उसके लिए बनाया सर तो ये वैसे हम इसको अतफी कहते हैं क्योंकि और बन, और फिर उसके लिए बनाया तो हमारा सर नतीजा देर यार दे हंड्रेड सबबिया तो उन्होंने सबब सबब तो कह दिया था तो सब और नतीजे में बहुत फर्क होता है फा दोनों तरीके से यूज होता है कोई का कोई बात होती है वो किस सबब से वो बात हुई इट्स ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन रिजल्ट नतीजे में और सबब में फर्क है इस सबब से ऐसा हुआ नहीं इंसान के पैदा करने के नतीजे में उसकी बालिदगी में वो हद बलुत को पहुंचा और फिर उसके रिश्ते नए रिश्ते और पुराने रिश्ते मिलके एक फैमिली जो बना उसकी तरफ इशारा है पहले तो पैदा करा पैदा करके छोड़ नहीं दिया पूरी कुरान में बेशुमार जगह है कि उसको नर और मादा मेल एंड फीमेल में पैदा किया सारी कायनात में अल्लाह सुबहान जितनी चीज़ों की तख्लीक़ फरमाई है वो जोड़ों में तख... न... तो उसकी तखलीक़ फरमाई है सिवाए खुद अल्लाह सुबह की जात के वो अहद है वह समद है बाकी तमाम उनकी तखलीद वो जोड़ों में है मेल और फीमेल या फिर दो जोड़े दिन और रात खुशी गम हर दो चीज जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है जहाँ अंधरा है वहाँ झाला भी है तो उसी तरह से ये उसके बाद का एक स्टेज है कि वो जब बालग हुआ तो फिर उसको एक फैमिली भी अता की और वो फैमिली दो किस्म की होती है एक तो पहले सिर्फ उसकी नसबी फैमिली थी हर इंसान की चाहे वो आ, मेल हो या फीमेल हो उसकी अपनी फैमिली उसकी नसबी फैमिली उसके माँ बाप दादा दादी नाना नानी ना, ना, जो भी है उसकी अपनी जाती फैमिली होती है और उसके बाद जब वो एक स्टेज पे बालक हो जाता है और फिर उसको एक फैमिली की जरूरत होती है तो वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ती है नसबा के बाद जहरा जहरा यह भी हम करेंगे लेकिन सिर्फ इसको नतीजा यानी एक चीज तो इंसान को एक खतरे से से पैदा किया फिर उसके बाद उसको अल्लाह सुबहान नतीजे के तौर पे एक स्टेज पे उसको बनाया क्या है नसबा तो पहले ही स्टेज पे हो गया से जब पैदा हुआ तो उसका नसब कायम हो गया नसब मैंने उसका माँ बाप दादा दादी ये उसका पूरा खानदान है ठीक है लेकिन उसके बाद एक नया रिश्ता वजूद में आता है वो वो सही रहा है अब ये सही रहा के मैंने क्या है वॉट डज इट मे शादी के बाद रिलेशनशिप हैं सारे वेरी गुड निस्बती रिश्ते नस्बती नहीं बोलते उसको अजवाजी रिश्ते बोलते हैं नस्बती भी अब उर्दू में हम आमतौर पे बोलते हैं नस्बती भाई है नस्बती बहन है, 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 है वो भी उर्दू में रायज है लेकिन उन तमाम रिश्तों को अजवाजी वो जब एक रिश्ता निकाह का पैदा होता है तो उसके बाद नए रिश्ते जन्म लेते हैं तो फिर एक डुप्लिकेट माँ बाप जो सास ससुर फिर रिश्ते शोहर के रिश्ते बीवी के रिश्ते बीवी के जितने रिश्ते हैं शोहर से भी उनका कोई कोई, कोई ना कोई रिश्ता होता है शोहर के जितने रिश्ते हैं बीवी का भी उनसे कोई रिश्ता होता है इसको तो रिश्ते अब यहां से एक नया रिश्ता शुरू हुआ तो इस तरह से एक पूरी एक फैमिली एक जोड़ अल्लाह सुबहान तला अल्ला ने इंसानों के लिए बनाई फिर ये सब मिल एक खानदान दूसरे खानदान से एक एक माशरा बनता है और फिर वो माशरे के बस फातिमा क्या बनना है सर मैं ये सबबिया को लेके मैं ये कि जब हम सबबिया कहते हैं तो इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट तो सर ये तो करेक्शन मेरी आज होगी सबबिया कुछ और है मतलब सर रीजन के लिए होगा फिर हम कब कहेंगे जब कोई चीज़ है उसका कोई प्रोडक्ट निकला कोई नतीजा निकला उसका कोई हल निकला तो उसके लिए भी फॉक को इस्तेमाल करते हैं ये जितने भी हरूफ हैं एक एक हर्फ के कोई एक ही मायने नहीं रहते है, है ना अल है उसके भी कई मायने हैं जो हम करते ही रहते हैं

पैदाश के नतीजे में वो फौरी पैदा होने के बाद ही ये सही का रिश्ता नहीं होता ये सिर्फ नसबी रिश्ते होते हैं उसके भाई बहन उसके माँ बाप दादा दादी नाना नानी ना, ना उसका एक बल्कि यहाँ पर भी दो किस्म के रिश्ते होते हैं हर इंसान के है ना एक क्या कहेंगे उन दो रिश्तों के नाम कोई बता सकते हैं मुझे उसका और से क्या बोलते से से नहीं, नहीं। तो तो क्लास डिसिप्लिन को जहन में रखे या तो हाथ उठाओ या नहीं तो फिर एक कोई बोल रहा है तो दूसरा खामोश हो जाओ एक साथ सब बोलेंगे तो नहीं होता चलिए बीच में मुमताज की थी क्या मुमताज आम फहम जबान में क्या बोलेंगे पैटर्नल और मैटरनल बोलेंगे ना सर बाप की तरफ से और माँ की तरफ से न सभी रिश्ता और सेहरा नहीं है ससुराली रिश्ता चलिए हो गई आपकी बात अब म्यूट कर लीजिए दो और हाथ उठे हुए हैं हमारा क्या है तुम्हारा ख्याल सर ननियाल और ददियाल तुम बहुत एकदम बाजत बाज़ के अक्सर बहुत अच्छी बात कर दे अलहमद लामदल्ला उनको आम फहम जबान में एक ददियाली रिश्ते होते हैं जो बाप की तरफ से वैसे मुमताज़ जो बोले पैटर्नल मैटर्नल वो भी सही है लेकिन आम फहम जबान में उसको हम यही कहेंगे एक ददयाली रिश्ता होता है एक नन नन हियाल नानी हेल कहते हैं जो माँ की तरफ से माँ है माँ के बहने हैं माँ के भाई हैं माँ के माँ बाप हैं तो वो नाना नानी मामू खाला ये तमाम रिश्ते वजूद में आते हैं तो ये सारे रिश्तों के लिए ये दो रिश्तों से एक बड़ी फैमिली बनती है फैमिली तो जब पैदा हुआ तो उस वक्त भी दोनों रिश्ते थे जब खुद वो बाले हुआ कोई भी खातु मेल हो या फीमेल हो तो उसके भी दो रिश्ते होते हैं तो दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ़ दुनिया में रहने का। के क्लियर हुआ कि ये ये दोनों माने एक तो उसके ससुराली रिश्ते वालिद के ससुराली रिश्ते वो माँ के जितने रिश्ते हैं वो हैं लेकिन उनकी औलाद के लिए रिश्ते दो हैं एक ददयाल है जिसमें बाप की तरफ के रिश्ते उसको वो भी कहते हैं शलवे रिश्ते और फिर राहमी रिश्ते वो भी सही है एक एक आम सफा जबान में हमारे ददियाल फ़ला हैं ननियाल फ़ला हैं इस तरह से भी एक रेफरेंस होता है बस उतनी छोटी सी बात पूछा था और इसमें कोई गलत नहीं है और कोई गलत बात नहीं किया सभी सही बात की है लेकिन एक टर्म मैं आपसे अर्ज करवाना चाह रहा था वो था वही ददियाल और नदियाल दैट्स वेरी गुड चलिए तो नसबा का मुकाम क्या है बोले आप मफूल भी ही नंबर दो सर वेरी गुड आप फिर से गो बैक हो रहा है सेहरन मातूफ हो रहा है नसबन पर गुड गुड वेरी गुड माशा चलिए आगे पढो सर बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए बड़ी, बड़ी, बड़ी कौन है बी एक्टिव बड़ी कौन है आपका बल्कि आप भी अपना माइक ऑन रख सकते हैं ये दो माइक की इजाजत है इसके अलावा के माइक नहीं होना चाहिए चलिए तो रबीरा करें एक काम आप तो बिल्कुल कर देंगे इसको ये फिर दोस्त से कराइए आप सुनिए आप तो बिल्कुल कर देंगे मुझे यकीन है हंड्रेड परसेंट और सिंपल है फिर दोस्त से कर दोस्त करो और काना का है का है है मतलब वो का जो बनेगा सर नहीं नहीं फिर दोस्त से पूछ रहा हूँ आप, आप उनको बोलिए ना आपको पूछना चाहिए था ये सवाल आप बड़ी है ना लेकिन आप सुस्त हैं बल्कि मैं थोड़ा तेज हो गया आपको पूछना चाहिए था कि रब्बू उसका इस्म है काना का या रब्बू का है ये दोनों मिलके पूछे उनसे फिर दोस्त ये खाली रब्बू बनेगा इस्म या मुजाफ मुजाफ मिलके बनेगा रब इसम मुजाफ मुजाफ मिलकर बनेगा देर एक रब्बू में कोई सेंस ही नहीं है रब रब है, रबु। है रबु। लेकिन ये जब मुजाफ मुजाफिल है आपका रब आपका रब तो इसका ऐसम बन गया देन नेक्स्ट प्रोग्राम इसकी खबर है क़दीरा वेरी गुड व्हाट डज इट मींस क़दीरा के अल्लाह ताला क़दीर है हर चीज़ पर पावरफुल uh, hmm. है कैपेबल है वेरी गुड पावरफुल है और ही हैज़ ऑल द पावर टू डू द थिंग्स ये सब अल्लाह सुबहान तला अल्ला ही करते हैं कि इस तरह से इंसान का एक बड़ा फैमिली है एक स्टेज पे होता है एक छोटा फैमिली है एक स्टेज पे होता है और फिर उस फैमिली के स्टेज से पहले बचपन में उसके फिर वही ददी हाल और नन्ही हाल होते हैं जब बालग होता है शादी होती है तो अजवाजी रिश्ते के जन्म लेते हैं तो ये भी निशानियाँ हैं हम निशानियाँ काउंट कर रहे थे फिर वो बीच में भूल गए तो इसके लिए क्या है पहले की आयत में हम काउंट कर रहे थे हमारा जल बहरहन में कर रहे थे कौन सी निशानियाँ हैं कर रहे थे ना लोग या नहीं कर रहे थे राशिदा जी सर कर रहे थे तो उसमें है कोई आपके जहन में पिछली आयत में कौन सी निशानियों का नंबर था मेरे सर, में तो, नहीं है। एक तो अजबन वो पानी जो मीठा है फिर इसका नब, निशाने नंबर जो हम तो कर रहे थे और नंबर टू फरातुन उसका भुजाने वाली है तो और फिर से शुरू कर रहे थे हम ये निशानियां तो बहुत पहले से चल रही पहले से चल रही थी सर फिर उसका नंबर याद नहीं है आपको या कर रहे थे हम तसलसल था उसमें

किसी के पास एट होगा सिक्स होगा उससे फर्क नहीं पड़ता लेकिन निशानियों को आप एक एक में नंबर के साथ भी याद रखें, तो तिलावत में और मजा आएगा फिर ये हाजा मिल जाजुन। एट, हो एट हो गया फिर उसके बाद ये उजाला ऑथेंटिक नहीं है ये सिर्फ फातिमा के कहने पे मैं नंबर लिख रहा हूँ आई एम नॉट सेम काउंटिंग है सर मेरी भी यही काउंटिंग है ठीक है फिर मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने कोई काउंट नहीं किया मेरे पास काउंटिंग नहीं है मैं आप जो कह रहे हैं वही लिख दे रहा हूँ तो इसमें आगे पीछे भी हो सकता है अल्लाह हू फिर उसके बाद आगे क्या था उसका नंबर वो क्या निशानी है मिनल माई बशरन कुलख मिनल माई बशरन तो ये नंबर नाइन हो गया सर बात कुछ और है ना ये दो अलग अलग पानी हैं लेकिन उजाला बहनो मां जरम मा जुड़ा ये एक निशानी नहीं है ओके सर ये, ये नाइन हो गई ये नाइन हो गई तो ऐसा थोड़ा सा निशानियां और फिर उसका नंबर जो वो क्या अल्लाह सुबह नल्ला और तो फिर निशानियों में मैं एक बात परसों बोला था कि बस एक जाहरी इशारा होता है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़े मायने छुपे हुए होते हैं किसी और चीज की तरफ उसी से प्रावत बने जरबुल मिसाल बने कि उससे कोई और चीज मतलब होती है मैंने जैसे कहे कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती मैंने कोई भी अगर अपने आप को बहुत बजहिर अच्छा ड्रेस पहन के या आलिम का ड्रेस पहन के आलिम बता रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो या परहेजगार बता रहा है कुछ बता रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अंदर से वैसा हो तो वैसे ऐसे हर परहेज हर चमकदार चीज ऑल दैट इज़ देट चमकने वाली चीजें तो कई दाते हैं तो खैर बहरल वो उसके बारे में हम बहुत सी बात बहुत बहुत किए थे कौन सी है थी वो जिसमें हम सिमिली के तौर पर उस निशानी को ऐड किए थे 48, 49 50. क्या था वो मुझे याद बारिश नहीं? से मतलब था कि बारिश को जो सिमिली दी थी उससे के अपना अल्लाह ताला ने मतलब जो हवा चलती है क्या था <laughs> <laughs> सर दिमाग से सर्थ। मतलब। जमीन पे है या ऐसी जमीन पे जहाँ कुछ नहीं रख सकता ज्यादा से ज्यादा खारदार गई है और कुछ नहीं होता कोई फल फलार काम की चीज वहाँ पर नहीं उगेगी या तो फिर रेगिस्तान है तो कुछ नहीं वहां पर होगा तो वह हिदायत के लिए भी बारिश थी उसी के बाद तो नबी भेजते थे हिदायत के लिए वो भी एक आयाता तो एस... बताया था आपने कि इंसान का जो साइकिल जो चलता है साया जो है वो उसको उससे भी तस्वीर दे सकते हैं वो भी दे सकते हैं और इस आयत में भी ये दो जो दरिया बह रहे हैं दो पानी बह रहे हैं इसमें एक इंतहाई कड़वा और खरा है एक बहुत ही मीठा और खुशगवार है इसमें भी सिली के तौर पर आप यूज कर सकते हैं, ये पूरे समाज में जिसका आगे जिक्र आ रहा है कि रिश्ते हैं ददियाली ननियाली ये सब एक तरह के नहीं रहते है कई ननियाल Uh, बहुत ज्यादा अच्छा है और इबादत गुजार फैमिली होता है कोई बहुत ही मॉडर्न फैमिली होता है कुछ होता है तो बहरहाल ये दो दरिया भी समेली के तौर पे यूज हो सकते हैं कि समाज का एक तबका वो खारा और कड़वा होता है और वो भी साथ ही अल्लाह सुबानो की जितनी नहमतों हैं जो बंदों के लिए अपनी मखलूक के लिए उतारी हैं उसमें यह नहीं है कि सिर्फ़ मोमिन ही दरख्तों के फल खा रहा है काफिर को कुछ नहीं मिल रहा है मोमिन ही अनाज खा रहा है या फिर सब्जी खा रहा है काफिर को नहीं मिलता अल्लाह सुबहान ने अपने ज़िम्मे रिस्क की सप्लाई की जिम्मेदारी ले ली है वाह मिंदा अब अल्लास् यानी कोई ऐसी जानदार चीज़ नहीं है जिसका रसल्ला सुबह ना उसको नहीं पहुंचाते तो ये पानी तो दोनों हैं जो साथ, साथ बह रहे हैं लेकिन एक बिल्कुल अलग है वो ईमान इम, लाने वाले आ, सीधे रास्ते पे चलने वाले अम्बिया की बातों को मान के उनके आ, या अपने रसूलों पे ईमान ला के उस रास्ते पे चले तो वो लोग हैं खाजा अजबन फरातन और जो उनका इनकार करे और फिर उससे फिर गए ईमान नहीं लाए वो है खाजा मिलो मिल ओ जादन ठीक है <clears throat> जी सर एक सूफी शायर का बड़ा अच्छा शेर नजर से गुना, गुजरा था वो इस यहाँ पर बड़ा फिट होता है कुरान के मुताले में लिख लीजिए या जिसको मगर ये क्लास अदब से बहुत थोड़ा सा दूर है एक आधी शायद कोई कुरान की तफसर और समझने में एक शायर ने एक शेर कहा था उसमें नहीं क्या किस मकसद से कहा था वो तो अल्लाह बेहतर जाने लेकिन उस शेर को इससे आप मुंतब कर सकते हैं इन बातों पर जो आप पढ़ रहे हैं हुँ? वो शेर बहुत मुझे तो बहुत पसंद है आपको शायद अदब से दिलचस्पी है या नहीं है लेकिन इतना रोक तो होगा पसंद आएगा वो लिख लीजिए या अच्छा है या अच्छा शायद से भी बड़ी बातें मालूम हो जाती हैं इस राज को क्या जाने इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई इस राज को क्या जाने Sahel के तमाशा ही हम डूब के समझे हैं हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई को समझा सकता मेरे को कोई शेर मैं क्यों सुनाया इसका हिंद मजामीन से क्या ताल्लुक है सर इसी तरह जैसे एक पढ़ लेना कुरान और फिर उसको गहराई में जाके समझना उसकी जैसे मिसालें से किया पढ़ लिए वो खूबसूरत है, है रहा है उसकी मौजें हैं अच्छा मालूम हो रहा है तो इसके लिए शायर यही कह रहा है कि इस रास को क्या जाने साहिल के तमाशाई वो दूर खड़ा रह के साहल से दरिया तमाशा दे रहा है लेकिन एक ये है कि दरिया के अंदर कितने मोती हैं कितने सेब हैं कितने सीप, सीपी हैं, मुंगे हैं कैसे कैसे कीमती पत्थर हैं क्या क्या चीजें उसकी तहमे हैं उसके बारे में वो कह रहा है कि हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई उसकी गहराई कैसी है उसको उसके अंदर उतर के उसमें डूबने से ही मालूम होगी उसमें क्या क्या अनमोल चीजें उसकी तह में मौजूद है तो दरिया हो समंदर। कुछ लिंक मालूम होता है आपको जो हम पढ़ रहे हैं उससे ये शहर में सुना कोई रिपीट कर सकता है ये शहर जी सर करो इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई हम डूब के समझे हैं। तमाशाई तो का है तमाशा बोले, तमाशा बोले तमाशा। है ये खा लिया नहीं नहीं तमाशाई ही का है आ, इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई हम डूब के समझे हैं दरिया की गहराई वाह क्या बात है वाक में काम का शर जी सर बिल्कुल जब तक आप उसके अंदर डीप डीप नहीं जाएंगे बाहर से खड़े होके तो कुछ भी समझ नहीं आता कि ये दरिया कितना गहरा है चले अगर दरिया कोई ले ले तो वो बाहर से तो उसका अंदाजा नहीं लग सकता वही है कि अब समंदर के पास खड़े हुए हैं लोग साहिल पे जाते हैं उसको एंजॉय करते हैं ख़ुशी वहाँ पर पिकनिक के तौर पे लेकिन एक वो होता है जो समंदर के अंदर डूब के उसके अंदर क्या क्या है? हीरे जवाहरात मोती जो भी है उसके अंदर हीरे वगैरह तो खैर पहाड़ों से निकलते हैं खैर दरिया से भी निकल मुझे नहीं मालूम वो लेके आता है वो उसका असल चीज़ है वैसे कुरान का मतलब है जितना आप डूब के मुतााल करेंगे तो उसके अंदर की चीज़ें हमारी समझ में आती हैं तो ये एक फिफ्टी फोर भी कम्प्लीट हम कर लिए इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है कोई बात पूछना है जल्दी यस सर सर नो समझ आ गई है चलिए ना उसके बाद नंबर यह इस ग्रुप की शायद आखिरी आयत है ये कौन सा ग्रुप था तो मुझे याद नहीं है अगर किसी को याद है तो बता दे सर अल्लाह पानी से तशबी हिदायत की जो दी गई हैं रोप नंबर आयत का फाइव फिफ्टी फाइव है जितने ज्यादा निशानियां हैं कहाँ से फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव टू फिफ्टी फाइव इस ग्रुप की ये आखिरी आयत है वो सारी निशानियों के बाद ये कंक्लूजन है ये कंक्लूजन है।, है और अक्सर हम देखते हैं कि कंक्लूजन वाली आयत पिछली आयतों का कंक्लूजन होता है और आगे आने वाली आयतों का इंट्रोडक्शन या तमहीद होता है ये कुरान की के नज़म में से ये बात हमारे सामने अक्सर आती है हम एक ग्रुप जब बनाते हैं तो वो आयत पिछली तमाम आयतों का एक कंक्लूजन होता है लेकिन उसका रब्त आने वाली आयतों से भी पैदा होता है और वो आने वाली आयतों की ये एक तमहीद बन जाती है उसी उसी बैकग्राउंड में ये आयत को समझिए कंक्लूजन कैसे है पहले समझिए जब हम 56 पे जाएंगे तो उस वक्त इंटर उसकी तमहीद है वो कैसे समझेंगे तो अब यहाँ तक हम अल्लाह अल्ला सुबानु ताला ने बेशुमार सिर्फ इसी सुरे में नहीं बेशुमारूतों में रोज़मर्रा की जो जाली यानि दिखने वाली ज़ाहरी निशानियाँ ख़ुद तो इंसान की पैदाइश रात दिन मौसमों का बदलना बारिश का होना ज़मीन का जिंदा होना उसमें से फल फलर निकलना अनाज निकलना और सब्जी निकलना जानवरों का पलना वो खाना फिर उनके हलाल हराम होना और उसमें से किसको खाना है वो ये बेशुमार हर जगह इवन एक चूंटी है वो भी निशानी है एक खानी भी है वो भी निशानी है कि किस तरह वो इंसानों के लिए शहद तैयार करती है उसमें कैसे शिफा है शिफाउस अल्लाह ने फरमाया शहद में तो ये सब बयान करने के बाद अब अगर कोई अंधा भी है जिसको ये सब नहीं दिख रहा है तो होगा क्या उन निशानियों को देखने के बाद उसके खालिख पे उसका ईमान होगा उसके खालिख पे वो ईमान लाएगा कि ये निशानियाँ जो बयान कर रहा है वो वही मेरा खालिख है वही मेरा रब है और उसके दिल के अंदर से अंदर अंदर से से जो बहुत ही अंदर है आवाज निकलेगी ला उसके अंदर से आवाज खुद ब खुद निकलेगी जब वो इन निशानियों के ऊपर गौर कर लेगा एक एक निशानी यहाँ पर तो थोड़ी है सुरह नाहल है पूरी निशानियों से भरी हुई है अब बहुत सी है, तमाम मक्की सूरतों में निशानियां बहुत हैं। उस बैकग्राउंड को रखे, ये सब हम कर अल्लाह सुबह मतलब कर रहे हैं और फिर इंसानों को सीखने के लिए उसका इजहार भी अम्बिया के जरिए करवा रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जो होता है उसका जिक्र 55 में जो कंक्लूजन की आयत है चलिए दो बड़ी खुद तैयार कर लीजिए जल्दी से अब मुझे बताइए कौन दो पढ़ने वाले हैं <coughs> कोई सर मैं पढ़ लेती हूँ शाजिया के साथ शाजिया के मुमताज भाई अभी एक ऑफर कर दिया ना तो ले वो फिफ्टी वो टू थाउजेंड ट्वेंटी टू में आई थी तो अब ट्वेंटी थ्री

और uh, ये यहाँ ये वाव जो आ रहा है ये खत्मा कुरान है क्या नो सर थोड़ा थोड़ा भी ले सकते हैं है याबुदो ना मिंदू नीला हाँ मुझे वो आ रहा था लेकिन वो वह... वो मुझे समझ आ रही थी पहले मैं धुन लाही तक ही ले रही थी लेकिन फिर वो मफूल की वजह से फिर मैंने पूरा कर दिया कि लाइक मुझे वो समझ गई थी, थी, थी आपका वो लेकिन इनशाला चले मिंदू नीला तक करते हैं ठीक है ओके ओके बाय अच्छा इधर वाओ जो है वो आ, मुझे का ये अतफी लग रहा है सेम ही आ, आगे आ, उसका नतीजा की तरह चल रहा है कि और आई होप सर बता सकते हैं बेहतर के अपनी निशानियां बताने के बाद अब ये एक तरह से अल्लाह तंफ्यूजन है कि फिर भी वो ये कर रहे हैं तो ये एक रब्त हुआ क्योंकि okay. निशानियां तो खत्म हो गई निशानियां हो गई अब उसका वो आ रहा है कंक्लूजन आ रहा है रब ले तो ज्यादा बेहतर है अच्छा okay. जी सर ये बड़ी बनाने का मकसद ये है कि आप मेरे मेरा रेफरेंस मत दीजिए मैं अभी बाकायद है तो हूँ आपकी बात सुन रहा हूँ आप गलत बोलेंगे तो फिर मैं यहाँ मौजूद हूँ आप अपने कॉन्फिडेंस से कोई बात करिए हाँ आप गलती पे हैं तो फिर मैं कान खींचने के लिए मौजूद हूँ आप अपने तौर पे आमेना को बोलिए ये है है या है। उसका करेक्शन करिए आप गलत बोलते हैं तो आई एम हियर अलाइफ है ना लेकिन ऐसा होंगे ऐसा होगा बडी है तो फिर पूरा उसका हक अदा करिए अपने तौर पे कोई फैसला सुना दीजिए आप सही है तो मैं वाह वाह शाबाश बोलूंगा नहीं तो फिर आपके सही मैं करूंगा ओके जी सर ऐसा भी है ऐसा भी है सर उसका फैसला करेंगे सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे वहां जाके फैसला कर लेंगे ऐसा नहीं बड़ी में कॉन्फिडेंस होना जी सर तो ये रद्द थे क्योंकि निशानियां पहले चल रही थी इसलिए हम सारी निशानियां रद्द रद्द में आ रही थी अब रद्द इतना मुभम बात पहले कर रहे थे अब कैसे कॉन्फिडेंस आ गया 100 परसेंट ये हर फेर रब्त है इसका कोई किसी पे अर्थ हो रहा है सारी निशानियों के बाद ये सब देखने के बाद वो बद बख्त ऐसे है या अब में अमीन दून अरे लानत है तुम पे लानत है तुम पे कि इतनी निशानियाँ बताई इतना मैसेज पहुंचाया कि ये ना कोई तुम्हारा बुत बारिश बरसा रहा है ना ना जुगा रहा है ना फल यह पैदा कर रहा है ना तुमको पैदा किया है ना तुम्हारे रिश्ते बनाए नस भी और ससुराली ये सब करने वाला है ना वो अल्लाह सुबहान तआला ये सब के बावजूद या बुदू ना मिंदू नाही लानत है ऐसे लोगों के आज भी हजारों की तदाद में काफर हैं जो एक अल्लाह को नहीं मानते हिंदुज़म में सैकड़ों बुत हैं जिनके ऊपर उनको कि ये उनको पैसा देंगे ये उनको फजा देंगे मुकाम देंगे और भी हैं हर जगह शिरक ही शेर, शेर भरा हुआ है लेकिन ये जो कंकलूशन है लसमान ताल्ला की तरफ से एक मार है एक रिमाइंडर है इतनी निशानियों को रोज देखते हुए और इसके अलावा तमाम मक्की में जो हैं, उसको देखते हुए भी एक बड़ी या आज की बात नहीं है आप अम्बिया के जिंदगी में भी नूसम नौ सौ पचास साल सबको मालूम है बार बार रिपीट होता है तबलीग करें कितने लोग ईमान लाए जो बचे जो बाकी अब उनके सही होने का कोई वही नहीं था कि उम्मीद ही नहीं थी वो अल्लाह के था तो उनको सिवा गर्क करने के और कोई नहीं था लूत सलाम की उम्मत बहुत कोशिश की उनको सुधारने की नहीं फिर उनको ख़त्म किया शोहेब की उम्मत आद और समुद इनके इनको सुधारने की अम्बिया के जरिए कोशिश की तो फिर उस तरह से उसके बावजूद भी वो शिर करते रहे तो एक ऐसा स्टेज अल्लाह सुबह को मालूम है कि अब वो ईमान लाने वाले नहीं है उस वक्त उनको खत्म कर देते हैं उनको नस्त नाबूद कर देते हैं इतना गहरा ताल्लुक है जो आप फोर्टी फाइव से है। फिफ्टी फोर तक के आयत निशानियाँ पड़ी हैं उसका फिफ्टी फाइव से ताल्लुक ये है कि वो सब देखने के बाद रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं और कोई बेखूफ से बेखूफ इंसान भी ये नहीं कर सकता कि ये बुत ने मेरे को पैदा किया बुत मेरा बाप है अस्तग़फ़िरुल्लाह ये मेरे बाप का बाप है लेकिन एक एक जरब जो एक जरब के माने मार उनकी अखलांक के ऊपर एक मार है कि सब देखने के बाद वो याबुदुना मिन्नुनिल्लाई yes, ठीक है जी वो दुना मिन्नुनिल्लाई या नए करो जल्दी करो जी वाव हर फिर रब्त है या वजूना से फेलिया जुमला शुरू फेलिया खबरिया जुमला शुरू हो रहा है या आबादा इसका रूट वर्ड है या वाव नून इसके फाइल हैं और मिन दून या और फाइल किसको रेफर हो रहे वो फाइल रेफर हो रहे जो नॉन बिलीवर्स की तरफ जो ये निशानियां देख के भी देख के भी इग्नोर तो कर तो रहे हैं तो इग्नोर उनकी तरफ की तरफ बोलना था दून लाही मजाफ मह होके अः मुताले के जाबदूना हो रहा है ठीक एंड अब अब इसमें माँ जो है वो आ, मफूल भी ही है तो लेकिन तुमने मुझे रुकवाया है फिर हम माँ को हम अम, आ, क्या कहते होते हैं मौसू हर, हर फिर मौसू होता है ना मौसू ले सकते हैं और इसका असिला है आगे आ रहा है जो नेगेशन से आ रहा नेगेशन से है कि जो नहीं अब इसमें नफा इसका रूट वर्ड है या और होम जो है वो वो रेफर कर रहा है उसके बुतों की तरफ हाँ जी बिल्कुल ठीक ओके थैंक यू तो या जो है हैम में क्या क्या है नफा इसका रूट वर्ड है या और होम नहीं नहीं या सॉरी 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 इसमें क्या-क्या है पहले आप ये बताएं मुझे या फाइल सॉरी फाइल फाइल एंड फूल भी ही है जिसमें से या जो है वो रेफर कर रहे नॉन बिलीवर्स जिन्होंने निशानियां इग्नोर की नो 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 उनके बुद्ध की सर कोई जल्दी नहीं आराम सुकून ले लो ओके उनके या है उनके बुद्ध एंड होम जो कि मफूल भी ही है Hmm. उनको कि उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा वो ओके okay. तो या जो है वो बुतों पे जा रहा है hmm. और ओके uh, okay, या इज द फाइल और uh, होम जो to? जो बुत ओके एंड होम इज मफूल बी ही रेफरिंग टू तो द नॉन बिलीवर्स बिल्कुल ठीक है बात नहीं हो गई जी सॉरी okay, मतलब बता दें पूरे का हम के जो नहीं वो नफा देता उन्हें नहीं दे सकते नहीं नफा दे, वो दे, दे, सकते, दे, सकते, दे नहीं। सकते उन्हें या पहुंचा सकते उन्हें ठीक है और आगे जमीन में पूरे स्लॉट को हम फिर क्या ले लेंगे इसमें मौसूल और सिला मिला के इसमें मौसू और सिला मिला के अः मुश्किल है आ, कोई मुश्किल नहीं अच्छा बस, आ, आ, फातिमा मौसूल सिला, ये कह रहे हैं? ओ, सर, जी सर ये अभी आप सुने इन्होंने इसके एनालिसिस कैसे की हमें और उनकी बॉडी ने बिल्कुल कर लिया और पास भी होना चाह रहे हैं दुए करी माँ इसमें मौसूल है लायन फहम सिला है जी सर इसमें मौसूल है माँ जब इन्होंने मफूल कहा है माँ जो है वो या बदूना का मफूल हो गया और ये इसमें मौसूल उसका सिला है सर ये और इसको अलग भी कर सकते हैं एनालिसिस लेकिन सर ये भी ठीक है सर मैं करेक्ट करूं अभी जब तो जब तो मौका था मौका था, था तो जब तो हम जान सोते रहे अब कार्यक्रम क्या है सुनो पहले आयशा डू यू एग्री नो सर पहले तो आ, का जो मफूल है वो माला हम जो है वो मफूल की जगह ले रहा है इसको हम ऐसे कहेंगे और इसको हम इसमें मौसूल और सिला नहीं कहेंगे क्योंकि ला माँ जो है वो उसका अलग मुकाम है सर यन फम में जो फाइल है माँ उसकी जगह लेगा तो ये जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से ये अब अब वो पटांग बातें शुरू कर दी हैं ऐसा नहीं होता खुद कॉन्फिडेंस नहीं आना और कोई है इसमें जो मुझे मेरा सर भर गई है ओ शायद बोलते अब तक तो बहुत अच्छा बोलते है, ही है अल्लाह का काशवर आप नजर ना लगाएं प्लीज और कुछ लोग ऐसे ऐसे मुझे कमेंट्स भेज रहे हैं नजर लगेगी पहले ये डिसाइड करो डू यू थिंक दैट नहीं लगेगी न... न... इंशाल्लाह नहीं लगेगी सर देखें जो याबुदूना है मिन लाही तो उसमें वो जिसकी इबादत करते हैं ये उसकी वजाहत है कि उनके बारे में मोर डिटेल है ये उसका मफूल नहीं है पहली बात है दूसरी बात के माँ जो है वो मुबदा है हम उसका खबर है ऐसे भी ले सकते हैं और फिर जब हूँ लग गई नजर मगर मेरी नहीं लगी किसकी लगी नहीं मालूम तो फिर ओ, मासूल और सिला तो ठीक था लेकिन याबुदूना का ये मफूल की जगह भी नहीं ले रहा ये उसकी वजाहत है कि क्या नहीं वो लोग जो फूल की जगह वो तो ऐसा मैं कुछ नहीं बोला उस सिलसिले में कोई या हो गया तुम्हारा थोड़ा सा मेरी नजर लगने का सवाल ही नहीं है कहीं अपनी औलाद को बहुत प्यार से देखते हैं तो बहुत उसको चाहत से देखते हैं खूबसूरत भी नज़र आती है फलमंद भी नज़र आती है तो माँ बाप की नजर कभी औलाद को लगती है लगती नो no, सर <laughs> तो मैं तुम्हारा टीचर हूँ मैं चाहता हूँ तुम तो और चमको और अच्छा पढ़ो और अच्छा सीखो तो जब तुम सीखते हैं तो मेरी नजर कैसा लगेगी आप दूसरे सुनने वालों की नजर से फिर दुआ कर लो कि अल्लाह महफूज रखे मेरी नजर लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता चलिए खैर वो सब जिमनी बातें हैं एक कोई आखरी और खबर हाँ। अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत खैर फिर भी आपको एक चांस दे रहा हूँ आप बोलिए

उनके सर पे मार रहे हैं अल्लाह सुबह वो नान बिलीवर्स हैं इतनी निशानियां देखने के बावजूद ऐसे कम वक्त हैं या बुदू ना अल्लाह को छोड़ के जो उनके लिए सब कर रहा है उनको पैदा किया उनका रिश्ता इंसाम किया उनके लिए बारिश वरसाया उसको छोड़ के याबुदून मंदू वो इबादत कर रहे हैं उसके उसके उस खालिख के जो उनको पैदा किया उनका रजाक है उनका हिफाजत करने वाला है उनको रिस्क पहुंचा रहा है अब उसके बाद ये पूरी बातें ख़त्म हो गई याबो दुना को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है उसके बाद दो जुमले हैं माँ लाफोम एक जो सिला या मौसू होता है या फिर मुबतद होता है वो एक अलग चीज़ है लेकिन ये जुमले इसमिया ख़बरिया है ला निगेशन से है माँ उसका मफूल भी मुक़दम हैम और वो मफूल भी ही सानी है वो नफ़ा पहुँचाते हैं जो के जो के उनको कोई नफ़ा नहीं पहुँचाते माँ जो के अब ये जो के इज़ रेफरिंग टू आ, किसको रेफर कर रहा है वो सर सर को रेफर कर रहा सर। तो सर, इसीलिए हाँ। मैं कंफ्यूज हुई थी कि ये बुतों को रेफर कर रहा है तो सर बुद्ध तो यहाँ पे फिर फाइल है तो फिर फाइल फिर पहले कैसे हम उसको कोई बुद्ध का जिक्र नहीं है माँ बिंदू में कोई बुद्ध का जिक्र नहीं है वो सूरज भी हो सकता है वो चांद भी हो सकती है आग भी हो सकती है वो झाड़ भी हो सकता है वो सांप भी हो सकता है बिच्छू भी, भी हो सकता है, है पत्थर भी हो सकता है कोई बुद्ध का जिक्र नहीं है सूरज हमारे लिए ये कर देगा कि उसकी प्रस्तिश करती कौम है ना चांद की परस्तिष करने वाली कौम है सितारों की इब्राहिम के तो जमाने की जितनी खून थी सब वो सितारा परस थे सितारों की परस्तिस करते थे आज भी लोग सितारों से खस्मत का हल देखते हैं वो आ, फला सितारा तुम्हारा उससे ताल्लुक है या वो डुबेंगा तुम मर जाएंगे अस्तफ क्या क्या है तो ये मंदून अब ये जितनी चीजें हैं जिनको वो अपना नफा या नुकसान पहुंचाने वाले हैं मा और जो कुछ भी है लायन वो वो कोई नफा नहीं पहुंचा सकते जो कुछ नफा पहुंचाना है उस इंसान के साथ भलाई होना है वो भलाई अल्लाह की तरफ से होती है नॉट फ्रॉम एनी अदर सोर्स कोई बुद्ध का ही जिक्र नहीं बल्कि जिसको भी हम समझते हैं तो वो इंसानों में से भी अगर हम किसी को समझते हैं कि ये हमको नफा पहुंचाएगा वो भी शिर है वो सर, भी क्वेश्चन है एक सेकंड पहले पूरी बात हो जान लो क्वेश्चन बाद में करो ठीक है पहले इसके कंटेंट को समझिए और इतने टुकड़े को समझिए है ना माय फॉम वो कुछ भी यन दोनों मफूल हैं एक, एक अव्वल हम है दूसरा मुकदम है वो सानी है ला नहीं कुछ भी नहीं नफा पहुंचा सकते इन्हें उसका ताल्लुक जरूर है वो इतने निशानियों को देखने के बावजूद भी अल्लाह के अलावा दूसरों की प्रस्तिश करते हैं उनकी पूजा पाठ करते हैं उनसे मदद तलब करते हैं हालांकि वो जिनसे मदद तलब कर रहे हैं वो इंसान भी हो सकते हैं वो मिट्टी के ढेर भी हो सकते हैं कि ये मेरी किस्मत बना देंगे है? उनको खुश करना है उनको कुछ करना है तो फिर वो सब होगा जिस ये सारी चीजों पे एक जराब है और फिर अल्लाह यही फरमा रहे हैं कि अगर कोई नफ़ा तुमको पहुंचा सकता है आगे आ रहा है कोई नुकसान तुमको पहुंच सकता है तो वो सिर्फ तुम्हारे खालिक की तरफ से पहुंच सकता है वरना दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो किसी मखलूक को नुकसान पहुंचाए या नफा पहुंचाए ये बैकग्राउंड समझ में आया ये जितने भी ऐसे सिला मौसू के होते हैं पर सिला आ, मौसूल इसमें मौसूल उसकी वजाहत होती है लेकिन एक जुमला पूरा इसमें मौसूल के बारे में नहीं कहा जाता माँ कभी आता है इसमें मौसूल के तौर पे लेकिन माँ की वजाहत होती है उसके बगैर माँ समझ भी नहीं आता इज़ के लिए दिस पार्ट सबको जितने लोग सर, सर एक ग्रामेटिक क्वेश्चन है मेरा कि माँ को अगर हम ले रहे हैं कि ये मुक, मफोल मुकदम है और फिर ये या जो है वो हम उसको फाइल कैसे ले सकते हैं फिर क्या लेंगे तो मतलब माँ और या एक ही वो उनकी प्रश्न को रेफर कर रहे है ना दैट्स वाय क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरे खुद समझ नहीं आ रहा ना सवाल समझ में आ रहा है मैं मैंने तो इसको इस तरीके से किया था ना कि या जो है फाइल है और होम जो है वो मफूल भी ही है और फिर आपने कहा माँ जो है वो मफूल भी ही आ, मफूल मुकदम है तो इधर जो या है अगर या हम फाइल कह रहे हैं या को और माँ को हम मफूल मुकदम कह रहे हैं तो ये दोनों चीजें तो सेम को हम कह रहे हैं ना मफूल और फाइल में क्या कंफ्यूजन है या कहीं से भी आओ रात में बारह बजे देखो दिन के बारह बजे देखो वो फाइल है जी लेकिन या भी तो उनकी प्रश्न को रेफर कर रहे है ना और माँ भी प्रस्तृष्ट को रेफर कर रहा है मैं इस पर कंफ्यूज हूँ होते रहो मेरे को नहीं मालूम क्या बोल रहे हो तुम क्या ये तो आ तो टाइम है हमारा क्या बोलना है नहीं सर थोड़ी कंफ्यूजन है माँ को लेके कि अगर माँ ला को हटा दे यू होम वो नफा पहुंचा सकते उनको नहीं वो नफा पहुंचा सकते ला को भी हटा फिर नहीं कर नहीं नहीं ला नहीं नहीं वो नफा पहुंचा सकते हैं उनको माँ को अगर हम कह रहे हैं कि जो तो ये जो जो है ये आया क्या कोई नफे के बारे में है या फिर ये दून लाही के बारे में है क्योंकि ये बनता नहीं है ना कि जो लोग समझ लें के जो अल, आ, माबूद बना माबूद बना लिए उन्होंने नहीं वो सॉरी कौन है थे तो सर मेरा भी यही था कि अगर हम इसका तर्जुमा करें कि ओके। वो इबादत करते तो वो जो नहीं नफा पहुंचा सकते तो सर माँ और या जो है वो तो सेम अच्छा, हो, हो गया बस करो बस करो और म्यूट करो मेरी बात सुना मैं समझ गया तुम्हारा डॉ तो, मैंने कहा समझ भी नहीं है सारा यही था सेम सर। था सर सॉरी समझाना नहीं आया सेम नहीं नहीं कोई बात नहीं चलिए अब मैं इसका तर्जमा करता हूँ देखिए ला, ला नहीं फा वो नफा पहुंचा सकते हैं हम उनको ये माँ कुछ भी कुछ भी किसी भी किस्म का थोड़ा ज्यादा बड़ा इतना सा माँ किसी के लिए नहीं आ रहा है कुछ भी के लिए आ रहा है लायन हम उसके साथ माँ आ रहा है कुछ भी नफ़ा नहीं पहुँचा सकते ये कौन यनफहू में फ़ाइल है वो नफा नहीं पहुँचा सकते वो कौन है मंदू नीला है अब वो हम वो जो उनके पर बिलीव रखते हैं वो हैं उनको ये बिलीव है कि मंदून अल्लाई जिसकी भी वो प्रस्तिश कर रहे हैं वो उनकी मन्नतों को मुरादों को पूरा करेंगे उनकी मदद करेंगे तो फिर अल्लाह सुबहान बारे में जो कमेंट्री है जो हम ये ट्रायंगल ट्रेंग, में रखे हैं दे विल नॉट

महजूब हो गया और ना नुकसान पहुंचा सकते कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते अब समझ में आया माँ क्या कंफ्यूजन चल रहा है था सर, आप दिमाग में yes, तो आप शाजिया के दिमाग में हैं तो आमा yes. के तो दिमाग में कोई रहता है तो वो उसको समझाना भी नहीं है लेकिन मैं समझ गया बाद में कि वो माँ किसी को रेफर नहीं कर रहा है बल्कि एनी yes, कुछ भी के मानों में ये थोड़ा भी नफ़ा नहीं भी पहुंचा सकते बाद में कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते नफ़ा नुकसान पहुंचाना, किसी कोई चीज़ का देना नहीं देना ये सारा उस हस्ती के हाथ में है जो उसके खालिख है जो दुनिया में सारे वो काम कर रहा है जो निशानियों के तौर पे अल्लाह तमाम मक्की सूरतों में उनका जिक्र फरमाए Now, सर आप कंफ्यूजन दूर हुआ क्योंकि हमारे पास जो मायने थे उसमें वो इस तरह है कि जो जो लाइक वो मबूद जो कुछ भी नहीं नफा पहुंचा सकते तो हम लोग इसको कंफ्यूज हो रहे थे कि ये किस तरह हो सकता है कि ये मफूल मुकदम अब इसके मायने आपने सही बताया कि कुछ भी एट ऑल लाइक कुछ भी तो आप समझ आ गया सर जजाक ला माशा माशा चीज़ है जो समझना है और इसको फिर लाके या बुदूना से खामखा मिला रहे हैं ये तो एक एक नतीजा निकल गया कि इतनी निशानियां बताने के बाद आंखों से देखने के बाद भी या बदूना मिंदू ने लाई वो अल्लाह को जो ये निशानियां बता रहे हैं इंसानों की तकलीफ की है वगैरह 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 तो उसके बावजूद भी अल्लाह की हस्ती के अलावा दीगर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं इन द कि वो जो हस्ती है वो उनको कुछ दे देगी कुछ नफा पहुंचा देगी उनकी तिजारत में बरकत होगी उनकी रिस्म में बरकत होगी उनकी उम्र बड़ी हो जाएगी वो ख्यामत तक जिंदा रहेंगे मौत नहीं आएंगी बीमारी नहीं आएंगी हस्तफर बल्कि अल्लाह कह रहे हैं कि जिनकी भी चाहे वो अज्जा में फलक ही हों या कुछ भी हो, वो मा होम इन एनी वे इन एनी थिंग कुछ भी थोड़ा भी उनको नुकसान नफ़ा नुस फिर उसके बाद क्या? चलिए अभी ये बड़ी और ये दोनों को चेंज करेंगे बहुत टाइम हो गया तो वो वांट्स टू तो बी नेक्स्ट ग्रुप जल्दी से मैं एक बड़ी अपना बड़ी भी चुनो जल्दी कौन आप, कोई भी आ सकते हैं अरे तुम चुनो बोले तो फिर बहस करते टाइम खराब कर फा, फाति, फातिमा है जी मुमताज हाँ, है, चलो प्रोफेसर जल्दी, अब कोई भी आ सकते हैं, मैं टिकट भेज देती हूँ इंडिया को, वसों ऐसा, ऐसा फटा फटाफट काम होना, क्लास ऐसा मालूम होना। इसमें लाया वाला या और ना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये इसी से कनेक्शन है। वाह ये रब है, हाँ अद्भुत ये। ये बोला तो अच्छा ला यसु हाँ जी 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 अच्छा है मुमताज हाँ अच्छा है ला ऐसा है कि मुमताज अपने जी? में एक खुद एतमादी पैदा करो अब हम सबको कंफ्यूज कर रहे हैं रब थे है, हाँ अब थे एक खुद एतमादी एक बात पे खायम रहो और ना वो नुकसान पड़ी अच्छा ही है मारो उनको गोली मारो पहले तुम इस बात पे कायम रहो एक बार बोल रहे हैं रब्त है एक बार बोल रहे हैं अद्थ मैंने है। आप को बोल रहे सर मैं पहले बोल दी थी रब्त बोल के तो आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोलो बस चलिए हो गई बात ला और ये मातुफ हो रहा किस पे यूम पे ना वो फायदा पहुंचा सकते हैं और ना नुकसान वकानल वकानल काफिर करेंगे इसका ये दुर्रुहुम का जी ये दुर्रुहुम का एनालिसिस करेंगे अच्छा हाँ ये है या इसमें फाइल है फेल फाइल मफूल है इसमें जी? या फाइल है जर्रा इसका फेल है हम इसका मफूल है और ना वो नुकसान पहुंचा सकते हैं मैंने उनके फाइल और जो रेफर करें वो भी बता दें हाँ या इयजुरहुम या और यान मा बुतों की तरफ इशारा कर रहा है मबूद कह दे ना बुत खाली बुत ही हाँ। हो सकते हैं जी हाँ और हम उन लोगों को जो बुतों पे भरोसा करते हैं मंदू ने ला पे जो भरोसा करते हैं हाँ मंदू ने ला से इतना प्यार क्यों हो गया लोग किसी बुतों का इतना प्यार क्यों हो गया कि उनका मा, जिक्र माबूद माबूद महाभुत बोलिए ना भूत का कोई जिक्र ही नहीं है कोई भी है एक इंसान दूसरे इंसान को भी महाभुत बना लेता उसको करते करते हैं हाँ, हाँ, हाँ। करते ना वो लोग वो लोग ये लोग मेरे को नहीं मालूम कौन क्या करते है? मैं नहीं करता इतना मालूम लेकिन का जिक्र ही नहीं है तो बुत 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 ला के उसको कंफ्यूज कर मिंदू नहीं लाई कोई भी चीज हो सकती है है ना हिंदू तो सांप की भी पूजा करते हैं चिपकली की भी पूजा करते हैं तो, क्या क्या? मुझे नहीं तो वो सब जो है मिंदु निल्ला में आते हैं अल्लाह के सिवा जिसकी भी प्रस्तुश करोगे ये भी इसमें महजूफ क्या चीज है फाति फातिमा नहीं है बड़ी इसमें क्या, क्या चीज छुट्टी हुई है ये पूरा हुआ ला यजुर में कोई एक चीज छुटी हुई है वो क्या है अच्छा सैनिक है सर मा वला व मा ला यदुर रुहुम हर है जी ये पूरा तो टुकड़ा यहाँ पर रिपीट होना चाहिए लेकिन लैंग्वेज में ऐसा होता है कि उसको फिर कुछ भी को यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है अब इसके मैंने ये नहीं है कि थोड़ा नुकसान तो पहुंचा सकते हैं बल्कि मा ला वा मा माँ और कोई भी कुछ भी नुकसान भी नहीं पहुँचा सकते मा महजूफ है इसमें इसमें है और कुछ भी नहीं वही सेम और ये पूरा बयान भी है ये पूरा टुकड़ा जाके यहाँ पर फिट हो रहा है जो माला यनफॉम और ये के साथ माला ये अब उनको हाँ। ये नुकसान अब समझ में आ गई ये बात ये और फातिमा भी एक्टिव नहीं है हैं हाँ? ये नहीं बता रहे हैं खैर कोई बात नहीं हो जाएगा थोड़े दिन में एक्टिव और हो जाएंगे चलिए आगे कब पूरे जल्दी कम्प्लीट करिए वकाना काफिर जहीरा जहीरा फिर ये वाह इस पे ये अयहुर रब् ताना का जिमला है और काफिरू इसका इस्म है अलारब्बी रहीरा रही ये रही इसकी खबर है जी ऐसे भी कह सकते हैं वो खाली ज़हीरा हम खबर कह के अलारब्बी बाद में मेंशन भी कर सकते अला हैं रब, अलारब्बी को हम उसके जार मजरूर जी मुतालिख ए, उसको कर सकते हैं हम किसको जी जो, जो और काफिर रबी और अपने रब के मुकाबले में और काफिर थे अपने रब के मददगार अपने रब के मददगार तो हम इसको किस से मुता करेंगे होता है तो फेल से मुतालिक होता है तो काना में जो महजूब फेल है ना महजूब फेल है इसमें ये, ये वही है जी इसमें काना में जो महजूब फेल है ना उससे मुताल है उससे मुताल है

अल रबी रब रब पर उनके रब पर, पर ही के ज़मीर का ये तो ये हो रहा है काफिर के ऊपर आ रहा जी ज़हीरा ज़हीरा मददगार जहीरा के? लेंगे, मददगार ज़हीरा के हां देख लेंगे मददगार लेंगे सर इसको मैंने का चल जल्दी नहीं पहले बोलता क्या क्या अच्छा बस करो बस करो एक तो फातिमा भी आज कोई मूड में नहीं है और, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है आज कुछ है एक दिन क्या नहीं है आज कोई सर कुछ भी नहीं है वो मैं बड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं बिल्कुल वो रहूँ मुझे नहीं पता सर मैं भी आज हम्म नॉट माय डे में भी एक तो हो अभी कहा काना में एक फेल है जो महजूब है कोई फेल काना में महजूब नहीं है काना ख़ुद एक फेल नाकिस है इन्ना एक फेल की जगह लेने वाला मुशब्बा फेल है है ना अलबत्त है है ये अरबी जबान में नहीं होते वो अफल महजूफ़ होते हैं वो छुपे हुए होते हैं लेकिन काना खुद एक फेल है जिसमें कोई एक्शन नहीं है इसको वीक वर्ब कहते हैं अला रबी ही कल भी वो एक साजिदा दानिश को आया था काना की एनालिसिस में मुतल जार मजरूर मुतल नहीं होता जुमले इसमिया की एनालिसिस में भी जार मजरूर अगर जुमले फेलिया है तो वहाँ पर आप करेंगे फेल बल्कि लेकिन यहाँ पर ये काना खुद एक एक नाक है उसका इसम है अल काफ़िरु और फिर इस इसम की पूरी खबर है अब बाज ग्रामेरियन खाली जहीरा को भी लेते हैं अला रबी ही उसके मुत बताते हैं लेकिन वो ज्यादा से नहीं है बल्कि पूरी खबर काना यह है कि जही रबी जही रबी ये काफिर के बारे में है कि वो जहीरा एक एक जाहर है जहरा एक है जहीरा एक है और दोनों के मानों में जमीन आसमान का फर्क है एक जहरा मैंने जाहिर करने वाला जहीरुद्दीन नाम भी होता है जहीरुद्दीन बाबर एक बादशाह भी गुज़रा है तो वो जहरा से इस्लामी नाम है जाहिर करने वाला दिन को जाहिर करना अब ये ज़हीरा हो जाने से एक डिफरेंट वर्ब है ये पीठ दिखाने वाला मुखालिफत करने वाला मुंह मोड़ने वाला ज़हीरा कुल किसी को जा अह दिन को फिर कोई और तरीके से पढ़ लिए तो पूरे दिन से पीठ फेरने वाला दिन से बड़ी नाजुक जबान होती है बाज़ जगह अरबी और जही उसको कहेंगे जो बागी हो या पीठ फेरने वाला हो हुकुम की खिलाफ वर्जी करने वाला हो बात को नहीं समझने वाला हो तो ये कंक्लूडिंग टुकड़ा है काफिर के बारे में काफिर काना का इसम है और उसकी खबर है अला रबी ही जहीरा अल्ला सुबहान तआला उस काफिर के बारे में खबर दे रहे हैं वो तो अपने रब को पीठ दिखाने वाला ही है अपने रब की ही नाफरमानी करने वाला ही है वो रब कह रहा है सिर्फ मेरी इबादत करो तो वो उसको छोड़ के दूसरों की इबादत करेगा और रब कह रहा है सिर्फ मेरे से मांगो वो उसको छोड़ के सारी दुनिया के सामने आ, हर जगह अपना सर अपना माथा हाँ टेकते हुए नजर आएंगे ये उनके अंदर बगावत इख्तलाफ करना किसी की बात को पीठ पीछे डाल देना जहरा पीठ को भी कहते हैं तो ये उसका कंक्लूजन है कि हालांकि वो जिसकी इबादत करते हैं वो ना कुछ नफा पहुंचा सकते हैं और ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं उसका कंकलूजन है जो काफिर हुआ जो अल्लाह से इनकार किया वो अपने रब का का नाफरमान है अपने रब को पीठ दिखाने वाला है उसकी उसका इख्तलाफ करने वाला है उसकी बात के ख़िलाफ़ करने वाला है ये काफिर का नेचर है जो अल्लाह सुबहान बता रहे हैं। तो यहाँ पर अला रबी भी इसमिया तो हाँ इस हो तो वैसी मजरूर मतल या महजूब फेल बोलेंगे लेकिन काना के, के जुमले इसमिया में अगर मुबतदा की खबर है तो ये जार मजरूर कर ट बल्कि पूरा इसमें यकन है सारी चीजें फातिमा के जहन में है लेकिन आज की सुबह कुछ अच्छी नहीं दिख रही मेरे को यह तो हम अच्छा पढ़ के क्लास में नहीं है या क्या हुआ या फिर आप भी, भी पढ़ ले सकते हैं है अस्तफ़रुल्ला तो भी पढ़ ले लेकिन अब आप आपके समझे आप कभी भी नहीं करते काना का जुमला है मुबतदा है उसकी खबर है, है किसी चीज में जार मजरूर वो शायद दादान सीमें हालांकि जार मजरूर वो मुतदा है तो उसकी खबर है वो वो क्या जुम था गांधी आप समझ में आ रही है बाद सर आपने पहले मेंशन किया था मेरे दिमाग में नहीं रहा कि आपने बताया था कि काना या, या इस्मिया में आपने नहीं कहना जान का जिक्र नहीं करना का जी मुझे सर मुझे मालूम मालूम है है कि आपको है। नहीं सर वो जहन में से निकल गया मेरे इनशा नहीं निकलेगा जहन से सर एक सवाल मेरा ये है कि रबी ही जब हम कहते कि उसका रब तो उसका रब तो सर दून ला है तो फिर

उसकी गलती है बाप तो बाप है वो लेकिन मेरा बाप नहीं है अगर कोई बोलता है तो उसकी नादानी है बाप जो है वो बाप ही रहता है रब जो है न मानने से मानने रब नहीं होता अल्लाह रब भी यानी उसका रब तो अल्लाह सुबहान काफिर का रब भी अल्लाह सुबान मतलब है जानवरों का भी कीड़ों का भी मकोड़ों का भी चूंटियों का भी है ना दुनिया की मछलियों का भी परिंदों का भी जितनी चीजें हैं उन सब का रब अल्लाह ही है उससे कोई इनकार नहीं कर सकते जी सर अब रब मतलब भी टर्म होगा हम अल्लाह के लिए ही कहेंगे राइट सर रब जो है वो तो अल्लाह अल्लाह के लिए कहेंगे सूरह यूसुफ में अपने शहंशाह के लिए भी कभी वैसा एक वो लफ्ज बना जाता था तो यूसुफ ने भी उसका इस्तेमाल किया जाकर अपने रब से ये कहो तो वो तो वो उसके इस्तेमाल के ऊपर है जिस तरह से लेकिन जो रब होता है वो कोई और नहीं जिस किसी को पत्थर को रब मान ले लेको रब भी ही नहीं हो जाता रब जो उसका जो वही है जो उसको पैदा किया जो उसको दुनिया में जी लाया जी सर आज मैं मायनों में दो जगह बहुत डिस्ट्रैक्ट हुई, हुई, हुई कि माला में कि वही वाली बात थी कि ये दोनों वो और जो में अगर है तो फिर मुकदम कैसे बनेगा और ये रबी सर इसने बड़ा डिस्ट्रैक्ट किया मुझे आज नहीं, सर, रब, समझ रब भी लिखे ना रब, रब को कोई माने या ना माने लेकिन रब तो वही है ना पैदा भी किया खिला, मैंने सर, खिला रहा है सर, वही खिला रहा है वही परवरिश कर रहा है उसको माने भी तो कर रहा है नहीं माने भी तो कर रहा है जी सर लेकिन उन्हें वो जो काफिर है वो समझ रहा है कि रब को छोड़ के ये चांद मेरी मदद कर रहा है ये तारा मेरी मदद कर रहा है ये सितारे से मुझे फायदा हो रहा है ये मट्टी के ढेर से मुझे फायदा हो रहा है तो फिर वो अपना जो असल रब है उसको पीट दिखाने वाला है उसका ना फरमान है उसका हुक्म मानने वाला नहीं है ये नहीं कि कोई बोला मेरा रब सूरज है तो सूरज उसका रब हो जाएगा सुर नाम में इब्राहिम का जो इब्तई दौर था तदब्बुर का उन्होंने तारा देखा और कहा ये मेरा रब है फिर वो डूब गया तो फिर कहा ये डूबने वाला मेरा रब नहीं होता फिर चांद देखा फिर सूरज देखा सो पूरा सुर नाम में आप पढ़ के आए हैं वो तदब्बुर है और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि डूबने वाले कोई मेरे रब नहीं हो सकते इन्नी वजह तो वजह फतर समावती वाले उमा अना मिन मशरक मैं मशरक नहीं हूँ कि तो वो तौहीद के ऊपर क़ायम हो गए वही सितारे थे जिनके उनकी कौम प्रस्तिश करते थे हाउ फॉर इज इट क्लियर फॉर टुडे सर अलहमदुल्ला सर यही दो जगहों में आज शायद डिस्ट्रैक्शन इस तरफ ध्यान ज्यादा चला गया आज कि ये माइनूम है मुझे कंफ्यूजन हो रही थी सर अलहमदुल्ला क्लियर हो गया देखने में सिंपल आया थी लेकिन इट वाज नॉट दैट सिंपल मैं समझा था कि ऐसे मस्के में से बाल निकले ऐसे पाँच पचपन वही निकल जाएंगी मगर बीच में बहुत हार्ड टाइम आ गया हम तक आपको समझ नहीं आया एनालिसिस करने में क्या हाँ जी सर मैं तो बोली थी ना सर अला रबी ही जहीरा ये उसकी खबर है बल्कि फिर मेरे को फातिमा पूछे तो मैं ये बोली है। वो बहुत अच्छा कर रहे पहले तो मैं इसकी खबर ही सर सही कर रहे बिल्कुल और जहीरा के मैंने जो बताया कि मददगार है है ना वो वो गलत था जो जहीरा है वो नहीं होता बल्कि मददगार कैसा होगा रब भी ही में भी कभी भी देखी वही मैं ना कि चाहे कोई माने ना माने रब, इस रब।, रब, इस रब।, रब है वही रब होगा कोई और रब नहीं हो सकता किसी के मानने से रब रब नहीं हो जाता कहे दुनिया में कोई माने या ना माने रब तो वही है जो उसको वजूद में लाया उसकी मौत भी उसकी वजह से होगी उसकी हयात भी उसकी वजह से होगी उसका रिस भी उसकी वजह से होगा उसका नफा नुकसान भी सब रब की वजह से होगा वरना अगर रब चाहे तो उसको कोई नुकसान से नहीं बचा सकता और अगर रब न चाहे तो उसको कोई दुनिया की ताकत जरा भी फायदा नहीं पहुंचा सकती इसको एक बार देख के आइए नेक्स्ट क्लास में मैं इसका रिविजन के तौर पर करूँगा पता नहीं क्यों मैं समझा था बहुत आसान है लेकिन अच्छे अच्छे इसमें लट्टू की तरह गोल फिर गए तो इसको एक बार गौर करके आइए वी विल रिवाइज दिस वर्स 55, देन वी विल इंटर द्रुप दिसरी इम्पोर्टेंट ठीक है ओके इंशाल्लाह इन अब चलो और कोई, अब और कोई है जो इज इट गुड टुडे ठीक है आज का मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा समझे हैं लोग लेकिन वो ये बड़ी बनाने से मुझे मालूम हो रहा है कि बड़ा फायदा हो रहा है कि मुझे अंदर से आपके अंदर क्या चीजें हैं वो सीटी स्कैन मैं कर सक रहा हूँ Am I right, जी सर, बिल्कुल दोनों के अंदर एक तो वो के उसकी भी क्या नॉलेज है और दूसरे की भी क्या तो निकल के बाहर और ज्यादा आ रही है लेकिन सर आज जो आपने माँ को समझाया और ये रब्बी ही को भी समझाया इट्स रियली really something और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक like ये हम लोगों को जब तक इसके सही मायने नहीं समझ आ रहे थे थोड़ी कंफ्यूजन थी जजाक अल्लाह सर और पी सब कुछ भी अच्छा है चलिए शाहज़िया बेगम अल्हम्दुलिल्लाह सर माँ का जो बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन था जी सर जिसकी वजह से सभी थे सर रब्बे ही तो सही बात है कि रब तो एक ही है वो चाहे माने ना माने वो जिसको भी समझे रब तो वही है रब मोटे और सख्त अल्फाज में बोल रहा हूँ कोई बाप को बाप नहीं मानने से बाप बाप नहीं नहीं हो जाता आप बाप ही रहता है अब बेटा या बेटी नहीं मान के चले जाते हैं या कुछ और रास्ता तैयार कर लेते हैं तो उसके माने नहीं है कि वो हवा में पैदा हो गए उनका बाप तो वही है जो जिसकी वजह से वो दुनिया में माँ को माँ कहेंगे ही कहेंगे वही उसकी माँ रहेगी जो उसके अपने रहम में नौ महीने रखे उसको जन्म दी उसको नहीं माने खाला मेरी माँ है जो तो खाला कभी माँ नहीं हो सकती जी सर बिल्कुल जजाक चलिए चलिए अलहमदिल्ला कभी कभी ऐसा होता है वैसे आसान आया थी कोई मुश्किल नहीं थी लेकिन थोड़ा सा आज वो मरदूद होता है ना शैतान जिसका नाम है वो बीच में बहुत आ गया था मैं काफी इस्तफार करके भी शुरू करता हूँ क्लास आज शायद मैं भी ज्यादा नहीं कर सका था था मेरे मेरे में ये था कि मेरे ऐसे प्यारे प्यारे स्टूडेंट हैं कि वो बड़ी आसानी से तीर के दरिया पार कर लेंगे लेकिन खैर इतने, इतने तर्जुमे हर जगह यही लिखा हुआ है की वो इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा उनकी जो नहीं नफा दे सकते उनको तो सर हम इसीलिए माँ को उसका याबू दूना का मफूल ही करते सर जो भी तर्जुमा तर्जुम 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 है ये तर्जुमा है ये सर आपने, आपने कभी जरूरत पड़े तो देता हूँ वरना उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती मुझे वो लैंग्वेज के लिहाज से कुरान को देखना है जो का वसवली नहीं है तो कुछ भी के मानो अलहमदुल्ला इसको याद भी रखो और समझो भी और मुझसे ऐसी आयतें बेशुमार आएंगी कुरान में यहाँ पर आपको उस चीज को समझना है ओके चलो हमारा आज काफी अच्छा हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर ये भी अल्लाह की तोफीक है कि हमको पौंडर करने की तोफीक अता फरमाए के हमारे जहन अटक जाते कहीं कहीं छोटी बड़ी चीजों में और हमें चैन नहीं आता जब तक के उसका सही आप हल निकाल के नहीं दे देते ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी तौफीक है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया कि आज हम ये कुरान को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं अल्लाह ताला हमसे इस कोशिश को कबूल फरमाइए हमारे लिए आसानियां पैदा फरमा दीजिए शैतान मरदूत के असर से और उसके वसवसों से हमें दूर रखिए अल्लाह पाक परवरदिगार हम सब से इस कोशिश को कबूल फरमाइए और इसका अजर और सवाब हमें इस दुनिया और आखिरत में अता फरमाइए वा व आखिर उद्दावान जजाक अल्लाह सर जमेरात को इसी का मैं बहुत क्विक रिविजन करूँगा और उसमें मुझे अमीना नजीबा मुमताज़ ये सारे इसके मदद करेंगे कितना समझे और बिल्कुल सही उसको समझ के मुझे समझाना है उस वक्त तक मैं सब भूल चुका हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम है मैं क्या बोला था लेकिन जुमरात को मुझे समझाना है जो मैं आज बोला ओके विल यू डू इट फॉर मी इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह चलिए واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته